हम बात कर रहे हैं MTNL की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 34 का लेवल इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसी सपोर्ट पे स्टॉक सस्टेन होना चाहिए। अगर इस लेवल से बाउंस बैक होता है तो इमीडिएट टारगेट के तौर पे 36 और इस बाउंस बैक के साथ 37.20 का लेवल जहां स्टॉक सपोर्ट लेता था इसको हमने टारगेट के तौर पर डिस्कस किया था। हम देख सकते हैं स्टॉक ने 38 का जम दिखाया, वहां से गिरावट आई है। लेकिन अब चार्ट पैटर्न पे नज़र मारो कि जब बाउंस बैक हुआ है तो हमको गिरावट जब आई है बाउंस बैक के बाद तो अपने रिसेंट लो को ब्रेक डाउन करता नज़र नहीं आया है। जंप के बाद जब गिरावट आ रही है तो अपने रिसेंट लो को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, अगेन जंप ले रहा है और अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ रहा है। अब यहाँ से MTNL का खेल पलटते नज़र आ रहा है। जहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ है 36.80 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट सपोर्ट 34 का लेवल और तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा इसका जो लो है जहाँ से बाउंस बैक दिखाया है। अब बात करें टारगेट की तो इमीडिएट टारगेट रहेगा 38.50 का लेवल जहाँ से स्टॉक ने आज के दिन रिजेक्शन फेस किया, इसको ब्रेकआउट कर गया तो अगला टारगेट बनेगा 40.41 का लेवल, ये नेक्स्ट टारगेट बनेगा। और इसका रेजिस्टेंस है, इससे पहले भी स्टॉक ने 40 के लेवल से हमको दो दफ़ा रिजेक्शन दिखाया हुआ है तो इसको ब्रेकआउट करना इंपॉर्टेंट है। और अब ब्रेकआउट के चांस बने हुए जिस तरह से यहाँ हमको बायर देखने के लिए मिल रहे 40 का लेवल MTNL ब्रेकआउट कर सकता है। अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाता है 2-3 दिन 40 के ऊपर तो फिर यहाँ से बड़े ही टारगेट हमको फिर यहाँ बड़े जंप MTNL में देखने के लिए मिल सकता है। फिर सर्किट भी हिट होते हुए MTNL में हमको देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।